हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोबिया फातिमा, एमबीबीएस सेकंड प्रोफेशनल स्टूडेंट फ्रॉम नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द सीक्रेट लाइफ ऑफ एमबीबीएस। यानी कि यहाँ आने का तो सपना सबका होता है, बट यहाँ आकर हमें क्या क्या फेस करना होता है और किस तरीके से अपने आप को उस सिचुएशन में ढालना होता है, उनके बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊँगी। सो लेट्स बिगिन। जब तुम यहाँ आओगे तो जो सबसे पहला अच्छा एक काम तुम लोगों को करना होता है वो ये होता है कि एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना होता है। फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि ये डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर, प्रेजेंट, सब कुछ। तुम जब कॉलेज में इंटर करोगे तो इन द बिगनिंग यू विल बी वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग, पढ़ाई से लेकर ड्रेसिंग सब कुछ लेकर। बट यहाँ आकर तुमको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिससे मे बी तुम्हारा मूड ख़राब हो जाए, बट तुम्हें उसे अपने हिसाब से सही करना है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कॉलेज तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता, या हॉस्टल अच्छा नहीं मिलता, या अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो वो सब तुम्हें कोप अप करके रहना होगा। हमेशा हमारे भी मेस में टेस्टी फूड तो नहीं मिलता है, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट वो सब अपने माइंड में लेकर चलना होगा, हमेशा सब कुछ इतना भी अच्छा नहीं हो सकता तुम्हारे हिसाब से। सेकेंड थिंग कि बहुत बार तुम्हें सीनियर्स से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीनियर्स थोड़े तो डोमिनेंट होते हैं कॉलेजेस में, तो तुम्हें जो लोग थोड़ा डिसरेस्पेक्ट उन्हें करेंगे तो उन्हें बदले में डांट वांट सुननी पड़ती है, तो ये भी एक साइड है। बट हाँ, जो बनाकर चलते हैं सीनियर से उन्हें आगे चलकर फ़ायदा होता है, तो ये तुम लोग को देख कर चलना है। कम से कम एक ग्रुप ऑफ पीपल कुछ सीनियर्स से बनाकर चलना ही है, ताकि वो तुम्हें हर मोड पर हेल्प करें। इन दी स्टार्टिंग जो लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ते हैं, उन्हें भी आगे चलकर एग्जाम्स में ये देखने को मिलेगा कि चीटिंग होती है एग्जाम्स में, और कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि जो लोग उतना अच्छे से नहीं पढ़ते हैं उन्हें भी मार्क्स अच्छा आ जाएगा, तुमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, तो इस टाइम पर बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं। बट इसी तरीके से चलना है, इसको माइंड नहीं करना है। और हाँ, एक और बात है कि सिर्फ अच्छा पढ़ के तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, यहाँ पर जो फैकल्टीज़ होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनसे भी अच्छा बना कर रखना होता है, उस पर भी बहुत वायवा में बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। तो सिर्फ पढ़कर चाहोगे कि अच्छा मार्क्स आ जाए तो नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना है वायवा प्रैक्टिकल्स में, तो बिल्कुल चंपू टाइप का बन के जाना होगा, मतलब एकदम क्लीन शेव करा के लड़कों के लिए, शॉर्ट हेयर करवा के, फॉर्मल ड्रेस में, लड़कियां भी वैसे ही प्लीट स्लीव्स बना के, मतलब इंप्रेशन अगर वायवा में अच्छा देना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो वो ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता। बुक्स बहुत सारी होती हैं, तो पढ़ना बहुत सारा होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम एकदम टॉप कर जाओ होते के साथ, एकदम बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए, हिट कर जाओ पूरे कॉलेज में, क्लास में, तो तुम्हें अपना पूरा पर्सनल लाइफ तो त्याग ही देना होगा, मतलब दिन रात पढ़ते रहना होगा। और हाँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि एवरेज स्कोर करना, तो एवरेज स्कोर में बाकी चीज़ें भी आ जाती है, घूमना फिरना, मस्ती वस्ती, बट बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उसका थोड़ा सा वो कम करना होता है। एक और बात जो मैंने ये ध्यान दिया कि सिर्फ क्लास में पढ़ने से या नोट्स बनाने से नहीं होता है, बहुत बार टीचर्स उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, या फिर तुम समझ नहीं पाते हो, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो उसमें अल्टीमेटली हमें खुद से ही पढ़ना होता है, या तो लाइब्रेरी में जाकर बहुत टाइम तक पढ़ना होता है, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करके। कोचिंग तो मेनली लोग पीजी प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करते हैं बेसिकली, या तो लाइब्रेरी में जाके, या तो अपने रूम में बुक्स से, या ऑनलाइन वीडियोस से, कोई वीडियो ऐप का सब्सक्रिप्शन लेकर ही स्टूडेंट ज़्यादातर पढ़ते हैं। कॉलेज में कभी भी ज़्यादा पर्सनल होने का गलती नहीं करना, हमेशा अपने प्रोफेशन पर, अपने कैरियर पर पहले फोकस करना, रादर देन योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि तुम्हें बहुत मुश्किल से एमबीबीएस की सीट मिली है। तो अगर तुम इस कॉलेज में हो तो तुम्हें पहला फोकस अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर करना चाहिए। मस्ती वस्ती करो, सब कुछ करो, बट किसी से भी कभी ज़्यादा पर्सनल मत होना, क्योंकि आगे चलकर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उन सब चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर है। एक अच्छा इम्प्रेशन बनाकर चलना कॉलेज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान के नज़र में आप सही नहीं हो सकते हो, बट अपने आप को बैलेंस करके चलना है। चाहे पूरा कॉलेज आपके अगेंस्ट हो जाए, बट कुछ सर्कल, कुछ फ्रेंड्स सर्कल रहने चाहिए, या तो सीनियर हो, या तो जूनियर हो, या तो अपने बैचमेट्स हो, जो हमेशा आपके साथ रहें। उससे क्या होता है कि पढ़ाई वढ़ाई में भी, लाइब्रेरी में बैठ के ग्रुप स्टडीज़ कर लिए, उससे हमेशा आप पूरा एक मोटा बुक तो पढ़ नहीं सकेंगे, तो कुछ पार्ट वो आपको समझा दिए, कुछ पार्ट आप पढ़ लिए, इससे बहुत हेल्प हो जाती है। कॉलेज में बहुत मज़ा भी आता है, डाइसेक्शन हॉल में जब हम लोग देते हैं कि एक, मतलब कैडेवर
से हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें भी कभी कभी टीचर्स पढ़ाते हैं कभी कभी नहीं, बट हाँ जब भी पढ़ाते हैं तो वो एक एक्साइटिंग फीलिंग आती है। बाद का नहीं पता, बाद में सब थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है सब कुछ, जब आम फोराम ये सबको काट वाट के पढ़ाया जाता है, तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। सेकेंड ईयर में जब क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, तो हॉस्पिटल में जब वार्ड ड्यूटी मिलती है, तो स्टार्टिंग में सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं वहाँ जाके भी, हॉस्पिटल में जाके हिस्ट्री लिखना पेशेंट्स का, उसमें भी बहुत लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, पेशेंट्स लोग अच्छे से हिस्ट्री नहीं देते, बट ये सब एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर चीज़ में ड्रॉबैक आती है, तुमको सब कुछ एकदम एक फुल प्लेट में नहीं मिल जाएगा, तो तुमको इसमें भी हेक्टिक हो जाती है लाइफ, जब क्लासेस भी करना होता है, क्लिनिकल पोस्टिंग भी करना होता है, सब कुछ, तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई हॉबी को फॉलो करते हो तो उसके लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। अटेंडेंस का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बहुत बार होता है, जैसे हम लोग के टाइम ही होता था कि 8 बजे सुबह से एक लेक्चर होता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाते थे या लेट से आते थे या छूट जाता था उनका अटेंडेंस, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट हाँ, स्टूडेंट्स प्रॉक्सी लगा देते हैं, वो ऑलमोस्ट हर क्लास में हर कॉलेज में होता है, बट हाँ अटेंडेंस का हमेशा इशू रहता है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं खुद से बैठ कर पढ़ना और क्लास नहीं जाना चाहते हैं, तो उसमें भी अटेंडेंस की वजह से भी बहुत बार लोग यूनी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ये भी मैंने देखा है। इन्हीं सारी स्ट्रेस के वजह से बहुत सारे लोग मतलब कंडीशन में डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, और उसके वजह से आगे चल के अल्कोहल ड्रग्स ये सब लेने लगते हैं, ये भी बहुत कॉमन है मेडिकल लाइफ में। बट ये आप पर, तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से ये सब फील्ड, ये सब चीज़ों से बचे रहो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने का सोचो। मुश्किल तो सबके लाइफ में आती है, बट वो तुम पर डिपेंड करता है तुम लोग किस तरीके से उसे मोल्ड करो। ज़रूरी नहीं है तुम उसी डायरेक्शन में जाओ, एडिक्शन के ही डायरेक्शन में जाओ, तुम उसको दूसरे तरफ भी फोकस कर सकते हो। अच्छा फ्रेंड सर्कल, अच्छा ग्रुप, घूमना फिरना या लाइट मूड करने के लिए कॉलेज के फेस्ट वेस्ट होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना कभी भी कुछ ऐसा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ये सब उतना ज़्यादा नहीं होता है। मेरे भी कॉलेज में खुद ये सब मेरे कॉलेज में पूरे साल में 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, अच्छे से सरस्वती पूजा और फिर मार्च में CFD, मतलब कॉलेज का जो फेस्ट होता है, कॉलेज फाउंडेशन डे। तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहने का कोशिश करो, उससे क्या होगा कि उसमें कुछ अच्छी अच्छी मेमोरीज़ रह जाती हैं आगे चल के कॉलेज लाइफ की। हमेशा सब कुछ तो अच्छा नहीं रहता है कॉलेज में, बट वो पार्ट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहता है, जितना भी सब कुछ होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी अपने कॉलेज के फेस्ट के बारे में, जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर न्यू ईयर्स ईव हो गया ये सब, तो वो सब सबसे ज़्यादा मेमोरेबल होता है। कॉलेज में तुम्हारे दुश्मन भी बन जाएंगे, ना चाहते हुए भी बन जाएंगे, बहुत सारे रीज़न होता है, लोग रिलीजन कास्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, या फिर लोग बहुत सारे रीज़न की वजह से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तुम्हारा ग्रुपिंग बन जाएगा, कुछ लोग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बहुत सारे सीनियर्स तुम्हें पसंद नहीं करेंगे अगर तुम्हारा डिफरेंट, मतलब अगर तुम्हारा उनसे बनता नहीं हो, या फिर तुम कभी एक दो बार उन्हें कुछ मतलब बहुत जैसे होता है प्रैक्टिकल कॉपीज़ ये सब लिखने के लिए देते हैं, तो बहुत बार तुम अगर मना कर दो, तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनके वजह से तुम्हें आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। कोई टीचर ही को तुम पसंद नहीं आ गए हो, या फिर कोई रीज़न से कुछ हो गया, तो या फिर एग्ज़ाम में तुम्हारा पढ़ने के बाद भी अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ था यूनिवर्सिटी में, मेरा थ्योरी पेपर मुझे लगा था बहुत अच्छा गया है, बट मार्क्स मेरे कम आ गए थे, तो अपने मार्क्स देकर मैं कुछ टाइम तक के लिए बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। बट अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अल्टीमेटली तो हमें आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ते रहना है, जो भी लाइफ में आएगा नेगेटिव चीज़ को हमेशा इग्नोर करके चलना है, या फिर अगर नहीं इग्नोर कर पा रहे हैं तो उससे लड़ना है। बट मेडिकल लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ ना नया सीखने मिलेगा, तुम्हारे पास तुम्हारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बहुत रहेंगे, बुरे एक्सपीरियंसेस, बट उसके साथ ही अच्छे एक्सपीरियंसेस भी बहुत रहेंगे, तुम्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस लाइफ से। और तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इतने सारे बच्चों में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है कॉलेज में, तो तुम ट्राई करो कि ये सब सारे बुरे चीज़ों को अवॉइड करो और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढो हर चीज़ का, तो तुम्हारा मेडिकल लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग जाएगा। अगर सब कुछ बहुत ज़्यादा बोरिंग चले तो अच्छा भी नहीं लगता, इंटरेस्टिंग होने में ही मज़ा आता है, आगे चल के तुम किसी को कुछ बताओगे तो कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना तुम्हारे कॉलेज लाइफ के बारे में। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आगे चल के तुम्हारा इंटर्नशिप होगा, तुम्हारी उसमें ड्यूटी लगेगी, तो वो भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, बट एक तरह से उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो दोनों का मिक्सचर है मेडिकल लाइफ, MBBS लाइफ जो है। तो तुम्हें अल्टीमेटली तुम्हें देखना है कि तुम किस डायरेक्शन में जाते हो। सो आई गेस इतना मैंने बता दिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ।